हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्टिविटीज़ इन प्लांट ब्रीडिंग इस लैक्चर से आप करेंगे कि एक्चुअल से प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिवस से सानू पता चल जाए कि असी जड़े है किसी भी क्रॉप जी हैगी एग्रोनॉमिक एंड इकोनॉमिकल करैक्टरिस्टिक्स जोड़े है एनहांस करना है कि करना है दैट इज़ द एक्टिविटीज़ इन प्लांट ब्रीडिंग नंबर देर आर फाइव मैथड्स फर्स्ट वन देर आर फाइव स्टेप्स एक्चुअली नॉट द मैथड्स फाइव स्टेप्स मीन्स क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन सिलेक्शन इवेल्युएशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जेनेटिक वेरिएशन आपां किद्दां करनी है जेनेटिक वेरिएशन जिवें तुहानूं मैं दस्सिया है कि सपोज वी केम टू नो दैट दिस जीन इज़ रिसपोंसिबल फॉर द लेंथ ऑफ द स्टेम ऑफ शुगर केन राइट सो शुगर केन की स्टैम जी है जे उन्होंने तुम एनहांस करोगे यदा मतलब तुम पोरी का साइज़ एनहांस कर रहे हो पोरी का साइज़ एनहांस कर रहे हैं तो यदा मतलब कि तुम जो द करैक्टरिस्टिक्स है एग्रोनॉमिक करैक्टरिस्टिक है चेंज कर रहे हैं ठीक है वो जीन सानू पता लग गया है तो जीन असी की करना है इंट्रोड्यूस करना है नॉर्मल वरायटी या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वरायटी या वाइल्ड वरायटी के तो वो कि मैथड्स है कि मैथड्स ने असी कर सकते हैं डोमैसटिकेशन कर सकते हैं जर्म प्लाजम कलैक्शन कर सकते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं म्यूटेशन पॉलीप्लाइडी सोमाक्लोनल वेरिएशन तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन जरा डायरैक्ट ट्रांसफर होंगे है जेनेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग होंगे है म्यूटेशन जी हैगी असी कोई कैमिकल मीडिएटड म्यूटेशन है या फिर कोई स्टिमुलस मीडिएटड म्यूटेशनस ना कर सकते हैं पॉलीप्लाइड सोमाक्लोनल वेरिएशन हाइब्रिडाइजेशन ये सारे असं मैथड जोड़े है डिटेल च करेंगे हाउ वी कैन क्रिएट द जेनेटिक वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशन करने तो बाद असं की करना है सिलेक्शन करना एक बार असं जेनेटिक वेरिएशन कर दी हूँ सानू पता सिलेक्ट करेंगे नैक्सट स्टैप कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन द प्लांट हैविंग द डिजायर फॉर कॉम्बीनेशन मतलब जोड़ा तुम्हें करैक्टर थोड़ा डिजायरेबल सूँ की किया है इंट्रोड्यूस कर दिता है हूँ तुम उन्हों देखना है कि वो जी है करैक्टर है प्रोजनी के क्या एनहांस हो गया क्या ग्रो हो गया दिस इज़ कॉल्ड द सिलेक्शन ठीक है वो आइडेंटिफिकेशन करूँ आइसोलेशन करूँ तो सिलेक्शन इज ऑर्डिनरली बेस्ड ऑन फिनोटाइप फिनोटाइप की होंगे है एक जीनोटाइप होंगे फिनोटाइप फिनोटाइप वाइज मतलब कि जो बाहर के करैक्टर्स देख के तुम सिलेक्ट कर सकते हैं बट मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन जी है बेस्ड ऑन जीनोटाइप ऑफ द कंसनट्रेट लेकिन जे तुम जीनोटाइप देखना है कि बाकी जीनोटाइप वह चेंज हो गया तो सानू की करना पेगा मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन ये भी डिटेल से आप करेंगे कि द एफिशिएंसी ऑफ सिलेक्शन डिटरमिन्स द सक्सेस ऑफ ए ब्रीडिंग प्रोग्राम तो जे थोड़ी सिलेक्शन वधिया हो गई है तुम वधिया सिलेक्शन कर ली हैगी क्योंकि ये वाला प्लांट जिहड़े हैगे जो तुसी सिलेक्ट किए हैगे इन्होंने ही फरदर डिस्ट्रीब्यूशन तक जाना हैगा तो फर्स्ट स्टेप इज़ द सिलेक्शन जे सिलेक्शन रोंग हैगी है तो ब्रीडिंग प्रोग्राम जिहड़ा हैगा सारा जीरो हो जाना वेरियस ब्रीडिंग मैथड्स हैव बीन डिजाइन टू इनक्रीज द एफिकेसी ऑफ द सिलेक्शन सिलेक्शन किद्दां करनी है इहदे वास्ते भी बहुत सारे प्रोग्राम जिहड़े डिजाइन हो चुके हैं सिलेक्शन फाइनली यील्ड इंप्रूव्ड लाइन स्ट्रेन्स और पापूलेशन दैट मस्ट बी वैल्यूएटेड फॉर देयर परफॉर्मेंस यदा की मतलब है कि सिलेक्शन जी हैगी उ तय करती हैगी कि इंप्रूवड यील्ड लाइनस जगह या पॉपुलेशन जरायटीज़ जीडिया है मस्ट बी इवैल्यूएटेड फॉर देयर परफॉर्मेंस सो इवैल्यूएशन किदा करनी है सिलेक्ट कर लिए अपना स्पीशीज द सिलेक्टेड लाइनस स्ट्रेन और पॉपुलेशन ठीक है आर इवैल्यूएटेड फॉर यील्ड फॉर द एंड अदर ट्रेड्स एंड देयर परफॉर्मेंस इन कंपेयर्ड विद एग्जिस्टिंग बेस्ट वरायटीज़ उन्होंने असं की कहते चैक करना कि जी थोड़े को हूँ तक की एग्जिस्टिंग बेस्ट वरायटी हैगी जी वरायटी तुम सिलेक्ट की है जेनैटिकली चेंज करके उस वरायटी तुम कंपेयर करना है तो इस प्रोसैस में असं करना है चैक इस वरायटी सॉरी कंपेयर करना चैक्स कंपेयर करके इवैल्यूएशन इज अ स्टैप वाइज प्रोसैस ठीक है इन इंडिया इट इज़ ऑर्डिनरली कंडक्टेड एज सैवरल लोकेशंस फॉर थ्री और मोर ईयर्स अंडर द कंसर्न ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स इफ न्यू लाइन और स्ट्रेन पॉपुलेशन जिमें आईल शो यू देखो पहला है क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन दे मेरे राइट हैंड साइड देखो हाइब्रिडाइजेशन
क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन आप करती कद करनी है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन च की हो सकता इंटर वराइटल डिस्टेंट ते सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, म्यूटेशन भी कर सकते हैं, पॉलीप्लाइडी जी ऑटोपोलीप्लाइडी एलोपोलीप्लाइडी टाइप हो सोमा कलोनल वेरिएशन भी हो सकती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इतने इनवॉल्व हो सकती है, डायरेक्ट जीन डेटा से ट्रांसफर कर देंगे, क्रिएशन ऑफ न्यू वरायटी जी है इतने हो जाएगी, या फिर असं की कर सकते हैं डोमेस्टिकेशन जर्म प्लाजम कलैक्शन इंट्रोडक्शन या फिर नैचुरली एग्जिस्टिंग वेरीएबिलिटी जी है हिसाब से असं की करती है जेनेटिक वेरीएशन जी है क्रिएट हो गई। ठीक है, उस तो बाद असी उसकी सिलेक्शन कर ली, सिलेक्शन तो बाद असी इवैल्यूएशन कर ली, इवैल्यूएशन तो बाद असी कदे कड़े स्टैप ने आना मल्टीप्लीकेशन ते उस तो बाद डिस्ट्रीब्यूशन ते ये सारिया की है एक्टिविटीज। हूँ असी आ गए इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन किदा की असी कि जिहड़ी स्पीशी असी सिलेक्ट की सी बेस्ट अपनी उन्हूं असी कंपेयर किया चैक दे नाल, चैक दे नाल जिहड़ी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेस्ट है वो नाल असी वो चैक कर लिया जां इहनूं कंपेयर कर लिता। ठीक है, कंपेयर करन तो बाद फिर आपां की करना हैगा हाँ फिर इसे उन्होंने की किया एवैल्यूएशन कर दी, उस तो बाद मल्टीप्लीकेशन करनी है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होंगे कि असी अलग अलग जगह पर उस वरायटी अलग अलग जगह पर अलग अलग एनवायरमेंट के उपर ग्रो करके उसका यील्ड देखना है कि क्या ये वाली जिहड़ी वरायटी हैगी आ साडी जो भी असी ग्रो की हैगी वरायटी जिहड़ी हैगी सक्सैसफुल है डिफरेंट एरियाज़ दे विच। ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ दे विच सक्सैसफुल है या नहीं है। जिदा मल्टीप्लीकेशन जिहड़ी हैगी कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीड्स ऑफ द रिलीज्ड एंड नोटिफाइड वरायटी। सीड प्रोडक्शन इज़ यूजली डन बाय सीड प्रोडक्शन एजेंसीज इन ए स्टैप वाइज मैनर। ये वाला स्टैप जो है मल्टीप्लीकेशन वाला स्टैप हैगा ये स्टैप वाइज मैनर सीड प्रोडक्शन एजेंसीज करती हैगी और इतने सीड जो है उन्होंने असी लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना है एंड सीड इज सर्टिफाइड बाय अ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी तो भी सर्टिफिकेशन आती है। उस तो बाद लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन असी की करना कि जो सीड जोड़े है उन्होंने लार्ज स्केल पर मल्टीप्लाई कर दिता है उन्होंने असी डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ये जो सर्टिफाइड सीड्स है वो असी फार्मर्स नू बेचते हैं तो फॉर कमर्शियल क्रॉप कल्टीवेशन। तो दिस एक्टिविटी लोन मेक इट पॉसिबल टू रीप द इकोनॉमिक बेनीफिट्स फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़। सो एनहांस स्टेबल प्रोडक्शन या सुपीरियर प्रोड्यूस्ड ऑफन इन द लोअर कॉस्ट। सो एक एफिशिएंट क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम दे विच जिहड़ियां सारियां एक्टिविटीज़ जिहड़ियां हैगियां प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड होंदियां हैगियां एफिशिएंटली मैक्सीमाइज द आउटपुट फ्रॉम द प्रोग्राम। सो एनी डेफिशिएंसी और कोई भी डिस्क्रिपेंसी जिहड़ी हैगी है इस प्रोग्राम दे विच एक किसी भी एक स्टैप ते बाकी सारे स्टैप जिहड़े लास्ट तक है उन्हों की करेगी उस स्टैप नू ये एनहांस नहीं होने गई या प्रोग्राम नू सक्सैसफुल नहीं होने देगी। सो डिस्ट्रीब्यूशन की होया सर्टिफाइड सीड जिहड़े हैगे आ उन्होंने सोल्ड करना फार्मर्स नू और जिहड़े कि इनू कमर्शियल क्रॉप कल्टीवेशन लई यूज़ करेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग।